फैसला हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आए, देखिए पेशेंट को अपना से पब्लिक लेकर जा रही है, ना कंपाउंडर है, ना स्ट्रेचर का सुविधा है, उसका सुविधा इलाज इलाज नहीं हुआ है यहाँ पे, इलाज नहीं हुआ है, ऐसे बस छपरा रेफर कर दिया, ना ना पेशेंट को उठाने का कोई सुविधा है, ना कोई देखने आ रहा, पेशेंट मर रही है, जी रहा, इलाज में सुविधा है, यहाँ रेफर का सुविधा है, बस यहाँ भी अभी खजूरी में ट्रैक्टर बैक करने के क्रम में 4-5 आदमी इंजुरी हो गए हैं, उनको उपचार के लिए हम लोग मसरक पीएचसी में लाए हुए हैं। यहाँ पे इलाज के नाम पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक ना प्रभारी का पता है, ना मैनेजर का पता है, BCM को हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना प्रभारी रिसीव कर रहे हैं फ़ोन, कोई व्यवस्था नाम पे कोई चीज़ नहीं है। 7 दिन से एम्बुलेंस खराब है, अभी तक एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट से एम्बुलेंस व्यवस्था करके पेशेंट को हम लोग अभी अभी छपरा भेजे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इस हॉस्पिटल में। इसके बारे में प्रशासन के लिए कुछ कहे आप? प्रशासन को क्या कहूँ, प्रशासन से डेली मांग हो रही है कि इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन यहाँ पे ना चिकित्सक, सिर्फ एक चिकित्सक है, उन्हीं के ऊपर पूरा हॉस्पिटल डिपेंड है, एक चिकित्सक क्या ट्रीटमेंट कर पाएंगे पेशेंट का, कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में, सिर्फ पेमेंट उठा रहे हैं लोग सरकारी खर्चे की, सिर्फ नजायज यहाँ पे हो रहा है, नजायज काम हो रहा है, सही है, कोई व्यवस्था नहीं है। और भी यहाँ पे लोग आए हुए, उनसे जाने को इस व्यवस्था को लेकर ये क्या कहें? हाँ सर बोलिए। स्ट्रक्चर तक नहीं, भाई जो बात कर रहे हैं वो एकदम सही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस किराए पर लोग मंगाते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। खजूरी पंचायत का सरपंच हूँ वर्तमान में, मैं अभी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ। यहाँ अभी अभी एक केस आया जो एक्सीडेंटल था, आकर यहाँ पर देखना पड़ा, देखते हुए मुझे मालूम चला कि यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई एम्बुलेंस है, ना ही कोई स्टाफ है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना यहाँ तक कि एक मेडिसिन सुविधा भी यहाँ नहीं है। यह नाम हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल रह गया है, कोई मरीज लेकर आए, एक रेफर करवाए, छपरा जाए, इसके सिवा कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है, नाम का हॉस्पिटल है, ओनली नाम का। यहाँ कोविड, अभी कोविड का जो वैक्सीन, जो बूस्टर डोज दिया जाता है, किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, काहे के लिए इसमें कोविड का कोई बूस्टर डोज देगा, किसी प्रकार की सुविधा ही नहीं दी जाती है, किसी मरीज का देखरेख ही नहीं किया जाता, किसी मरीज का सुना ही नहीं जाता है। यहाँ कोई मरीज अगर अपने बीमार से वो तड़प रहा है, जूझ रहा है, लेकिन किसी को कोई एक्शन नहीं है कि कोई स्टाफ आकर या कोई भी कंपाउंडर आकर एक बार उसको देखे कि हाँ भाई कोई समस्या है। जैसे कि हमें जो यहाँ पर मरीज आया, उखड़ा रहा था कष्ट से, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे चोट लगी हुई थी, अब उसका इलाज करने के बाद, जांच करने के बाद पता चलेगा उसको क्या हुआ है, इतना तड़प रहा है, जैसे कि उसको पता चलता है उसका हड्डी टूट चुका है या क्या हुआ है, एनीवे वो बहुत बेहाल है, लेकिन किसी को यहाँ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, या मतलब पेशेंट के क्या स्थिति है, परिस्थिति है, पेशेंट की क्या समस्या है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। यह एक नाम का हॉस्पिटल है और यहाँ सब कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी व्यवस्थापक हैं, जो भी हैं, गवर्नमेंट का पैसा फिजूल में खा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, बकायदा अपना मनमानी कर रहे हैं, पेशेंट से कोई ताल्लुकात और कोई रिश्ता नहीं रखा जाता। कुछ ये भी सुनने में आया कि अगर आप आते हैं सरकारी हॉस्पिटल दिखाते हैं तो कोई कहता है कि हमें 100 रुपये दीजिए ना, आपका काम हो जाएगा, 50 रुपये ना, आपका काम करवा देंगे, इस तरह की कुव्यवस्था इसमें आ चुकी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।